पिता पर सगी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का लगा आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छनकैया थाना क्षेत्र से मानवता को तार तार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। खटीमा के अमाओं से पिता पर सगी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ व दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक नाबालिग किशोरी की दादी ने थाना जनकैया में मुकदमा पंजीकृत कराया है। आपको बता दें कि 2 मई को एक महिला द्वारा अपने पुत्र के खिलाफ छनकैया थाने में तहरीर दी गई थी कि उसका पुत्र अपनी सगी बेटी के साथ विगत लंबे समय से छेड़छाड़ व दुष्कर्म करता आ रहा है तथा वादिनी व पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिस पर थाना जनकैया में धारा 376 IPC व पास्को एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विवेचक द्वारा वादिनी व पीड़िता के बयान दर्ज कर तत्काल नाबालिग पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त को अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं इस मामले में उधम सिंह नगर ASP मनोज कुमार करतियाल ने बताया कि एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार तथा अन्य अपराध के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर झनगया थाने में अभियोग पंजीकृत कर तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जांच की कार्रवाई चल रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक नाबालिग युवती के साथ बलात्कार और अन्य अपराध के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में अभियोग झनकैया थाने पर पंजीकृत किया गया और इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्त किया गया, क्योंकि इससे गिरफ्तारी है इसमें आरोपी की जा चुकी है और वो दोनों आपस में रिलेशन है, इसलिए डिटेल्स हम लोग इसकी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करें।